खबर अजमेर से है, जहां बिजली विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की करंट की चपेट में आकर हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने सदस्यों ने शास्त्री नगर पावर हाउस पर प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। कर्मचारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गौतम मेघवाल ने बताया कि मदार स्थित 220 GSS पर करंट की चपेट में आने से फिरोज गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद साथी कर्मचारियों ने उसे JLN अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में एसोसिएशन ने जांच में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर बताएं, आज किस कैसा आया आपका? हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, हमारा एक चतुर्थ कर्मचारी था बेचारा फिरोज खान, उसकी क्या है कि चालू लाइन पर चढ़ाकर सहायक अभियंता द्वारा, प्रथम दृष्टया यह सहायक अभियंता द्वारा उसकी हत्या, सरासर हत्या करी गई है। उसका हमें न्याय चाहिए और जो भी अधिकारी दोषी है उनको तुरंत अधिकार से उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए।